नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पर जंगे यूपी टेट एंड सी टेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एक बेहतर तैयारी कराई जा रही है। उसी कड़ी में मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रहा हूँ। हिंदी विषय में अभी तक आपने 11 कक्षाएँ देखी हुई हैं, जिसमें हमने आपको शुरुआत से वर्णमाला से लेके लगा के संधि और विभिन्न चैप्टर आपको करवाए हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अव्यय पढ़ाऊँगा। अव्यय में जितने भी सारे कंसेप्ट हैं वो आपको बताऊँगा। जितने भी अव्यय से जितना मटेरियल आपको आपकी परीक्षा के लिए आपको आवश्यक है वो सारा इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना अध्याय, करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन में सबसे पहले देखेंगे भाई अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अव्यय पढ़ना है हमको ना, तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। इसके दो भेद होते हैं अविकारी, एक होता है भाई निपात, दूसरा होता है अव्यय। आज के सेशन में हम अव्यय पढ़ेंगे, तो अव्यय को देखते हैं। तो हमको समझ में आ गया अव्यय कैसा शब्द है, अविकारी। अविकारी क्या होता है? जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक, अब देखते हैं भाई अव्यय क्या होता है। अपरिवर्तित मूल स्वरूप में अव्यय के भाई ये विशेषताएं दे रखी हैं, ये अपरिवर्तित होता है, मूल स्वरूप में ही रहता है। स्वयं का इसका एक अर्थ होता है। क्या होता है? स्वयं का एक अर्थ होता है। ठीक, और वाक्य में इनको हटाने पर अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। अगर ये वाक्य से हटा दिए जाए भाई तो इनका अर्थ जो होता है वो अस्पष्ट हो जाता है, अस्पष्ट नहीं होता है अव्यय। जैसे राम और सीता वनवास गए। क्या? राम और सीता वनवास गए। अगर राम को हटा दे इसमें तो और सीता वनवास गए तो मतलब कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा इसका, कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा। सीता और राम वनवास गए तो सीता इसमें क्या हो गए? अव्यय हो गए। बच्चे और शिक्षक स्कूल गए, अध्यापक और बच्चे स्कूल गए। उपरोक्त अव्यय के उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि लिंग वचन बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए इसमें अगर हम लिंग बदल गए, राम और सीता, इसमें लिंग कोई भी बदल दीजिए, राम और सीता वनवास गए, गए में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, चाहे सीता को पहले लिख लें चाहे राम को, तो राम और सीता दोनों इसमें क्या है? अव्यय हैं। ठीक है, अब बच्चे स्कूल गए, बच्चे और शिक्षक स्कूल गए, इसमें क्या हो गए? बच्चे और शिक्षक दोनों चीज़ें अव्यय हो गई, क्योंकि इसमें लिंग और वचन में परिवर्तन करने पर हमारा कोई लिंग वचन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये क्या हो गए? अव्यय हो गए। ठीक, अब देखते हैं भाई निपात क्या होते हैं। अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं आता, स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। निपात की विशेषताएं क्या है? अपरिवर्तित होते हैं, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। उसमें क्या था भाई? स्वयं का अर्थ होता है, इनका स्वयं का अर्थ होता है। निपात का अर्थ निर्वाद में क्या होता है? स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, वाक्य में हटा देने से कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर इनको निपात को हटा देते हैं तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसमें देखते हैं भाई क्या होता था, उसमें अगर वाक्य में इनको हटाने पर अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। अगर राम को जैसे अव्यय को हटा देते थे तो अर्थ नहीं निकलता था, और इसमें वाक्य में इनको हटा देने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गए, विशेष अंतर हैं जो अव्यय और निपात में आपको पता होना चाहिए। अतिरिक्त भावार्थ प्रकट करते हैं, ये क्या होते हैं? अतिरिक्त भावार्थ प्रकट करते हैं, मतलब अतिरिक्त का काम करते हैं। अव्यय के भेद अर्थ के आधार पर चार होते हैं। अब अव्यय के भेद देख लेते हैं भाई कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं अव्यय? चार प्रकार के, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, योजक आपलिक संजय समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। चार प्रकार के अव्यय होते हैं, पेपर में बहुत पूछा जाता है अव्यय, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला देखते हैं भाई क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे राधा धीरे धीरे लिखती है, राधा धीरे धीरे लिखती है, बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं, श्याम धीरे धीरे पढ़ती है,
तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रही है कि कौन धीरे धीरे क्या कौन लिखती है, राधा तो लिखती है, क्या हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं, ठीक, तो धीरे धीरे लिखते हैं ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि धीरे धीरे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गए, जिसे आम धीरे धीरे पढ़ता है, बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आ गया जिसमें धीरे धीरे लगता है उसमें हम क्रिया विशेषण अव्यय का यूज करते हैं, मतलब धीरे धीरे एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया आपकी तरह, ठीक। अब भाई क्रिया विशेषण अव्यय अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, पहला हमने पढ़ा क्रिया विशेषण अव्यय, वो चार प्रकार के होते थे, अब जो उसका पहला पार्ट आता है क्रिया विशेषण अव्यय, वो भी चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्थानवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय, रीतिवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय, ठीक है। स्थानवाचक क्या होता है, स्थान दिशा या स्थिति की सूचना देने वाले, जैसे बच्चों बाहर जाओ, राम अंदर आओ, सभी छात्र बाएं खड़े हो जाओ, ये कोई ना कोई स्थान बता रहे हैं, तो ये स्थानवाचक अव्यय हो गए। कालवाचक क्या है, ये कालवाचक में एक समय प्राप्त होगा, समय का बोध कराने वाले, जैसे राम रात भर पढ़ता रहा, श्याम आज रात बाहर जाएगा, तो ये क्या हो गए स्थानवाचक। अब देखते हैं भाई परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक अव्यय क्या होता है, परिमाण का बोध कराते हैं, किसका परिमाण, मतलब कि कितनी मात्रा है, तो हमें थोड़ा बोलना चाहिए, हमें थोड़ा बोलना चाहिए, अधिकता, बहुत अधिक, तुम बोधक, तुम बहुत बोल रहे हो, अधिकता बोधक हो गए। न्यूनता बोधक है, आपको कम बोलना चाहिए, पर्याप्त बोधक, मेरे लिए दिल्ली जाना काफ़ी है, पर्याप्त मतलब बोल रहा है। तुलना बोधक, राम श्याम से अधिक तुलना कर, अधिक तेज दौड़ता है, इसमें दोनों में तुलना की जा रही है, तो ये सब परिमाणवाचक में है, ठीक। अब आते हैं भाई रीतवाचक, क्रिया की रीति ढंग तरीका का की विशेषता बताते हैं, रीतवाचक क्या होते हैं, क्रिया की रीति ढंग तरीका की विशेषता बताते हैं, जैसे शेर अचानक झपट पड़ा, शेर क्या हुआ अचानक झपट पड़ा, तो ये क्रिया की रीति तरीका का बताया जा रहा है। राधा मधुर गाती है, कैसी गाती है, तरीका बता रही, राधा मधुर गाती, तो ये रीतवाचक अव्यय हो गए। राम अवश्य ही घर जाएगा, अवश्य इसमें क्या है, अव्यय है, क्योंकि इसमें लिंग वचन का आदि का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे राम हो चाहे सीता, अवश्य अवश्य ही रहेगा, राम अवश्य ही घर जाएगा, ठीक, इसके अर्थ का बर्द अर्थ नहीं चेंज होता है। शायद बारिश हो रही है, श्याम ने कार्य फटाफट कर दिया, रोहन सिगता से स्कूल गया, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, रीतिवाचक अव्यय। अब देखते हैं भाई संबंध बोधक अव्यय क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्या करते हैं, वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं, तो वहाँ पे संबंध बोधक अव्यय होता है, जैसे धन के बिना कोई नहीं पूछता, धन के बिना कोई नहीं पूछता, वृक्ष के ऊपर कोयल बैठी है, ठीक, तो ये क्या हो गए संबंध बोधक अव्यय हो गए। अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद होते हैं, किसके, संबंध बोधक के, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, के पहले, से पहले, के आगे, से आगे, के पूर्व, से पूर्व, के बाद के, ये सब हैं 13 भेद, ये कालवाचक संबंध बोधक के अव्यय होते हैं। पश्चात आदि का प्रयोग होता है, इसमें क्या होता है, पश्चात यानी बाद, जनवरी के बाद फरवरी आएगी, शहर के बाद खाई आएगी, राम से आगे पंक्ति में श्याम बड़ा है, तो ये सब क्या है, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो हमने पढ़ लिया चारों इसके पार्ट, इसके कौन कौन से होते हैं, स्थानवाचक के बाद कालवाचक, कालवाचक के बाद परिमाणवाचक हमने पढ़ लिया, उसके बाद रीतिवाचक के हमने पार्ट पढ़ रहे हैं, रीतिवाचक में कौन कौन से आते हैं, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक पढ़ लिया हमने, रीतिवाचक, ये चारों पार्ट हमने पढ़ लिए थे रीतिवाचक अव्यय। अब उसके बाद हम जो आ गए हैं, क्रिया विशेषण पूरा हो गया, अब हम देखते हैं भाई संबंध बोधक हमने पढ़ लिया, संबंध बोधक में क्या पढ़ा, संबंध बोधक में हमने पढ़ा संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं, ठीक, तो धन के बिना कोई नहीं पूछता, ये सब हमने आपको बता दिया, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं, ये संज्ञा इसमें क्या है, धन के बिना, संज्ञा इसमें धन है, तो इसका संबंध किससे बता रहे हैं, वाक्य के अन्य पदों से, वाक्य के अन्य पद क्या है, के बिना, तो इनसे बताया जा रहा है, ठीक है। वृक्ष के ऊपर कोयल बैठी है, तो इनका अन्य पदों से बताया जा रहा संबंध, तो ये संबंध बोधक हो गया, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य पदों से किया जाता है,
ठीक। अब ये संबंध बोधक के भी 13 भेद होते हैं। ये अव्यय पाठ थोड़ा आपका डिफिकल्ट है, इसको ध्यान ध्यान देकर आप आराम से पढ़िएगा। इसके भी 13 भेद होते हैं। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, कालवाचक में क्या आता है, के पहले, से पहले, के आगे, से आगे, के पूर्व, ये सब क्या आते हैं कालवाचक में, ठीक। उसके बाद स्थानवाचक में क्या आता है, के ऊपर, पास, निकट आदि का प्रयोग होता है। वृक्ष के ऊपर कोयल बैठी है, राम का घर स्कूल के पास है, तो ये सब स्थानवाचक हो गए। फिर आता है दिशावाचक, इसमें क्या आता है, दिशा दिखाई जाती है, ओर, तरफ, दायां, बायां आदि का प्रयोग होता है। जैसे दिल्ली की पूर्व में उत्तर प्रदेश है, राम रोज नदी की तरफ जाता है, तो ये क्या है, दिशावाचक है। साधनवाचक, इसमें क्या होता है, साधन बताया जाता है कि किसके द्वारा किया गया कार्य है, द्वारा, सहारे आदि का प्रयोग होता है। राम ने बाण से रावण को मारा, तो बाण से क्या हो गया, साधनवाचक स्थान संबंध बोधक अव्यय। श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध किया गया, ठीक। हेतुवाचक मतलब किसके लिए, के हेतु आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन के खातिर राम जी वनवास गए, मोहन के लिए श्याम खाना, मतलब एक एक उद्देश्य था, एक हेतु था जिसके खातिर काम किया गया। जैसे रावचन की खातिर राम जी वनवास गए, तो ये हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। ऐसे ही विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, किन्हीं संदर्भों का बोध कराने वाले, जैसे तहसीलदार से भू प्रमाण पत्र के बाबत प्रक्रिया पर बात करनी है। व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक अव्यय, इसमें क्या होता है, अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना आदि का प्रयोग होता है। जैसे राधा के अतिरिक्त कृष्ण के पास कुछ भी नहीं है, सरकारी नौकरी बगैर कोई भाव नहीं होता, तुम बिना तैयारी के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसमें क्या होता है, अलावा, अतिरिक्त आदि का प्रयोग होता है। तो आपका व्यतिरेक मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सब बताया जा रहा है डिटेल में। वैसे पेपर में इतना ही आता है कि अव्यय कैसा शब्द है, विकारी शब्द है कि अविकारी, तो आपको बता देना है अविकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, क्रिया, कारक आदि का प्रयोग आदि में फर्क नहीं पड़ता। इसके 13 भाग हैं, ये आप ध्यान देके पढ़ लीजिए। विस्मया विनिमयवाचक संबंध बदले एवज, स्थान पर, जगह पर आदि का प्रयोग होता है, तुम गेहूँ के बदले चावल ले जाओ, ठीक है। ये मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आराम से वहाँ से लेके पढ़ सकते हैं। सादृश्यवाचक क्या होता है, तरह, योग्य, बराबर, समान आदि का प्रयोग होता है। जैसे राम के समान श्याम है, सीता की तरह गीता पढ़ाती है। ऐसे ही विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने मुहिम छोड़ी है, विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है, भारत आज पाकिस्तान के विरुद्ध मैच खेलेगा, और आगे आपको पता है, तो ये सब आपको विरोधी शब्दों के बोध होता है। साचार्यवाचक संबंध बोधक अव्यय, इसमें क्या होता है, सात संघ सहित समेत आदि का प्रयोग होता है। जैसे राम संघ सीता जी भी वनवास गई, तो ये साचार्यवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। राम मोहन के संग बाजार गया, सब संग अंग का प्रयोग होता है, तो ये होता है संबंध साहचार्यवाचक, ठीक। तो ये सब आप देख लीजिए। अब देखते हैं भाई वाक्य किस प्रकार का है। अब अगला देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कहलाते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, और, वा, एवं, तथा, यथा, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ये सब क्या है, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे आयुष ने मणि कड़ी मेहनत की और सफल हुआ, ऊषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन पथम नहीं आ सकी, बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूसी, तुम कभी वहाँ जा सकते हो किंतु मैं नहीं, विकास और तुषार बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये सब क्या है, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। देखिए ये और, लेकिन, परंतु, किंतु, और ये सब क्या है, दूसरे शब्दों को जोड़ रहे हैं। अब देखते हैं भाई इसके भेद क्या क्या होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय, व्याधिकरण समुच्चय। समानाधिकरण समुच्चय क्या होते हैं, ऐसे समुच्चय शब्द जो समान वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, तो आदि, ठीक। क्या हुआ, समझ नहीं आया। ऐसे समुच्चय शब्द जो समान वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का करते हैं, जो समान वाक्य हों उनका जोड़ करें, तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, और आता है, तथा आता है, तो आता है। जैसे राम और लक्ष्मण में अथा स्नेह था,
तो ये एक शब्द एक तरह के थे तो इनको जोड़ा और शब्द की तरह गया। तुम चले तो जाओगे, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा, और आ गया इसमें तो आ गया, तथा आ गया, तो ये सब क्या है, समानादि। ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें और तथा तो आ रहे वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है देखते हैं, इसके भी कई पार्क होते हैं, छह भेद होते हैं, ये आराम से आप देखिएगा, मैं PDF आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इतना आपके लिए पेपर में आवश्यक नहीं है तभी छुड़वा रहा हूँ, ये सब आराम से आप पूरी PDF अच्छे से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अब आखिरी वाला टाइप देख देते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इनका विस्मयादि बोधक चिन्ह से प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे, ओह, शाबाश, काश, तो ये क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो अरे आप कौन हो, हे राम, यह कैसे हुआ, धिक्कार है तुम्हें, हाय मुझे देर हो गई, तो ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। इनका लिंग वचन कर्ता से कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लिंग हो, चाहे चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, ये हैं तो इनका अर्थ वैसे ही रहेगा, समान ही रहेगा। विस्मयादि बोधक के भी 8 भेद होते हैं, हर्ष बोधक आह वाह वाह धन्य, शोक बोधक महाय बाप रे बेचारा, हे राम तराई तराई, आश्चर्य बोधक में भी ओ ओहो क्या, अरे ओहो, अनुबोधक में मतलब अनुमोदन किया जा रहा है, शाबाश वाह बहुत सुंदर अच्छा हाँ हाँ, तिरस्कार छी छी हट अरे देख चुप, ये सब क्या है, तिरस्कार बोधक। स्वीकार बोधक में हाँ जी, जी हाँ, अच्छा जी ठीक, ये स्वीकार बोधक हैं। संबोधन बोधक में क्या होता है, अरे रे अजी लो जी, ये सब क्या है, संबोधन बोधक। घृणा बोधक में छी छी राम राम, तो ये सब क्या है, घृणा बोधक। तो ये अव्यय पर पाठ आपको है, अच्छे से पढ़िएगा इसको, इसमें से प्रश्न आपके परीक्षा में काफ़ी देखे जाते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो यही था आज का सेशन, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मैं PDF इसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर सारी PDF आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप आराम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।